एमवीए को। समाजवादी पार्टी ने सीट बंटवारे को लेकर अल्टीमेटम दे दिया है। बिल्कुल, एसपी ने गठबंधन में 5 सीटों की डिमांड रख दी है, वरना 25 सीटों पर लड़ने की तैयारी करेंगे। ये बड़ा बयान आया है अबू आजमी की ओर से। महाविकास आघाड़ी को इसके लिए आज तक का अल्टीमेटम भी इन्होंने दिया है। और एसपी के नेता अबू आजमी ने यह भी कहा है कि अब इंतजार हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। महाविकास आघाड़ी को एसपी का ये बड़ा अल्टीमेटम है। एनडीए को आज दोपहर तक ये अल्टीमेटम दिया गया। एसपी नेता अबू आजमी का यह बयान इसको लेकर सामने आया। गठबंधन की 5 सीट्स की डिमांड की गई है। तो जो सीटें मैं मांग रहा था वो सीटें धीरे धीरे कहीं ना कहीं अनाउंस की जा रही हैं। मुझे लगता है कि शायद जो पहले जिस तरह से दो टर्म में धोखा हुआ है, शायद इस बार भी उन लोगों की ऐसी नीयत होगी कि समाजवादी पार्टी को सीटें ना दी जाएं। मुझे ऐसा, मैं ऐसा सोच रहा हूं। मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि महाविकास आघाड़ी टूटे। मैं नहीं चाहता हूं वोटों का बंटवारा हो। मैं चाहता हूं फिरकापरस्त पार्टियां, किस फिरकापरस्त पार्टियों को हम सब मिल के हराएं। जिस तरह से पिछली बार पार्लियामेंट में अब की बार 400 पार वाले को 240 पे लाया, दो बैसाखी उनके हाथ में आ गई, यहाँ भी ऐसा कुछ हो जाए, ये हमारी आखिरी दिन तक कोशिश होगी। हम नहीं मानेंगे तो मरता क्या नहीं करता। फिर हमको पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और मैं तय करके मैं सीट में अपना एबी फॉर्म बांट दूंगा, फिर आगे अल्लाह मालिक। और इस पर शिवसेना यूबीटी ने समाजवादी पार्टी को गठबंधन धर्म निभाने को कह दिया है। क्योंकि ऐसा है ना कि जो हमने 5 उम्मीदवार घोषित किया है वो 5 उम्मीदवार चुन के आने वाले हैं। मैं इतना देर इंतज़ार नहीं कर सकता जितना ये लोग कर रहे हैं। ये अब ये 2 दिन सिर्फ बाकी है फॉर्म भरने को, लास्ट डेट है, और अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। मुझे लग गया कि बहुत ही अफसोस और दुख की बात है कि जो लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं वो लोग अभी तक टिकट नहीं बंटवारा कर रहे हैं। यहाँ हज़ारों लोग नीचे खड़े हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के। कोई नागपुर का है, कोई शोलापुर का है, कोई इचलकरंजी का है। उनको जाना है, तैयारी करना है, फॉर्म भरवाना है, परंतु इतना लेट करना, मैं समझाऊँ ये बहुत बड़ी गलती महाविकास आघाड़ी की है। अबू भाई जी से हमारी बातचीत चल रही है। जो सीटें उनके पास है वो तो उनको मिलने वाली है, लेकिन उनसे पहले उसने अबू भाई ने उनकी सीटें डिक्लेयर कर दी, ये भी ठीक नहीं है। शेतकरी शेखा पक्ष ने भी उनकी सीटें डिक्लेयर कर दी, ये ठीक नहीं है। महाविकास आघाड़ी में इस प्रकार से अगर कोई करता है तो लोग नाराज हो जाते हैं। हम उनसे निरंतर चर्चा जारी रखेंगे। तो महाराष्ट्र के इस पूरे चुनावी रण में महाविकास आघाड़ी को एसपी का अल्टीमेटम क्या है, ग्राफिक्स के माध्यम से आइए विस्तार से आपको समझाते हैं। डिमांड क्या है, धमकी क्या है, अल्टीमेटम क्या है, वो सारी तस्वीर आपके सामने। 5 सीट की डिमांड है, 25 सीट पर लड़ने की धमकी है। और अल्टीमेटम की बात करें तो आज दोपहर तक का समय दिया गया है। मौजूदा विधायक इनके 2 हैं और इन सबके बीच 5 सीटें नहीं मिली तो 25 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। आज दोपहर 2 बजे तक का समय दिया गया इन सबके बीच। आपने संजय राउत को भी सुना। महाविकास आघाड़ी में पहले से ही जो 3 प्रमुख पार्टियां हैं उनको सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही थी, खींचतान चल रही थी, और इन सबके बीच अब एसपी की ये नई डिमांड। और देखना होगा कि महाविकास आघाड़ी इसे कैसे हैंडल करती है, क्योंकि वक्त 2 बजे तक का दे दिया गया है। Z News.